हम सोच रहे थे कि सबसे बड़ा नुकसान जो है मेरा हुआ है, लेकिन यहाँ आने के बाद पता लगा कि मेरा कुछ नहीं हुआ है। मेरा बस चार ठो टीन उड़ गया है ना, और एक ठो आम का पेड़ चला गया, लेकिन यहाँ आने के बाद पता लगता है कि पूरा बस्ती चला गया इधर। की खबर तो रहे, कुछ जानकारी दे। जानकारी की दूँ, इधर आंधी तूफान है तो सबा को चौपट कर। नहीं तो मैं झगड़ा से इधर बाहर नहीं निकलूँ, नहीं तो मैं सोच कि सबसे बड़ा नुकसान मोगे हो गया, चाहिए एकटा मोरा ठंडी गाछ छिला हमें वहाँ लगभग 100-150 आम रहे, मोर गाछी छे कटे ने राखे दा दूसरा विधि काटे गोरा से तो मैं कहूँ कि सबसे बड़ा नुकसान मोरे हुई है। और चार खन टीन घोरे मोर उड़े गए, किल ठोकाला टीन उड़े गए। अब ईशा वैसे जब देखो, देखिए यहाँ पर आने के बाद हमको पता लगा कि यहाँ पर तो साला घर ही नहीं है, बिल्कुल छपड़ी छुपड़ी जितना है सब कुछ उठा के मतलब कहीं रख दिया। और सबसे बड़ा मैटर ये पेड़ है, इतना बड़ा पेड़ घर के ऊपर जो गिर गया है तो कितना बड़ा नुकसान हुआ। आदमी ना कि लोग चौकी तो दुर गए, गाच अगर जो बूढ़े गए चौकी तो चौकी रोल दान चौकी को भागे आदमी आदमी नुकसान होगा। सबसे बड़ी बात की जान बचे गए। जी 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 अल्लाह पाक ये बहुत बड़ा एहसान छे। जी बिल्कुल जान बचे गए बहुत बड़ी बात छे। इला माली नुकसान छे इंशाल्लाह इला भरपाई हन जावे। जी बिल्कुल अल्लाह दीबे तो चल ठीक है भाई फिर है ना, हमें मुलाकात पूछो। तो चल रहे हैं घर, यहाँ पे अब आ गया है मेंबर सरपंच, पता नहीं कौन कौन आए हैं, ये सब अब लिखते हुए घूम रहा है कि किसका क्या हुआ है नहीं हुआ है सब कुछ लिख रहा है ना। तो इस वार्ड का जो वार्ड सदस्य है, वार्ड कमिश्नर है, वो मतलब घूम रहा है इधर कि किसका कितना क्षति हुआ है, वो क्षति के हिसाब से जो है उसका भरपाई का मतलब करेंगे। तो चलिए और तो बहुत आगे तो बहुत नुकसान कौन पार आर निजाम आर कुछ नहीं अरे निजाम काम छे मोरो टीन उड़ेंगे यार मिनिजाम को जहाँ हाँ मोरो टीन उड़ेंगे ना। तो चल चल तुम सारा नुकसान हो ऊपर खुनिया ओ इछा उड़ा उड़ा कहो ऊपर। अच्छा ऊपर घर चले नुकसान खूब है वाला बहुत। चल तो ठीक है दोस्तों, हम तो बना लिए हैं वीडियो भाई और चलते हैं अब वापस। हम चल रहे हैं वापस आपको फिर दूसरी रूट दिखाते हैं, तो दूसरा गांव में जो है कितना नुकसान हुआ है ना। चलिए दिखाते हैं आपको दूसरा रूट, ये तो मेरा रूट था, अब हम देखिए यहाँ पे भी पेड़ गिरा हुआ है। तो अब हम जो है दूसरा रूट जा रहे हैं, दूसरा रूट में आपको दिखा रहे हैं कि कितना नुकसान इधर हुआ है। और यहाँ पे जो है अभी वार्ड कमिश्नर जो है आ गया है, इस गांव में घुसा है, अब वो जो है सबका लिखित करेगा किसका घर में टूटा है, किसका क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ है। देखिए कितना कैसे कैसे अलग हो गया है पेड़, देखिए कैसे कैसे पेड़ अलग हो गया है। मतलब ज़िंदगी में जो है ना हम पहली बार जो है इतना बड़ा नुकसान देख रहे हैं, मतलब आंधी की वजह से। आंधी खूब तेज चला है तो देखिए वहाँ पे लगता है वो एक पेड़ है वहाँ पे, देखिए वो पेड़ दिख रहा है आपको, देखिए वो पेड़ दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई उसको काटा है, कितना टहनी उंगली जितना है सब ख़त्म। यहाँ पे जो केला का पेड़ है दिख रहा है यहाँ पे, ये केला का पेड़ ये भी सब ख़त्म और उधर भी सब ख़त्म। यानी अब आप लोग ये कहिएगा कि वीडियो बनाते हैं इसलिए तुम्हारा घर द्वार चला गया, तीन रूम खत्म हो गया, लेकिन यहाँ तो दूसरी गांव में भी आकर देख रहे हैं कि हमसे ज़्यादा इस गांव पे भी मतलब जो है बर्बादी हुआ है, क्षति हुआ है। तो देख लीजिए आपको दिखा रहे हैं, और बिजली का तार हमको लगता है कि लाइट जो है 3 दिन तक लाइट नहीं आएगी, क्योंकि इतनी जगह पर लाइट कटी है, इतनी जगह पर लाइट कटी है, आप लोगों को क्या बताएंगे, यानी लाइट आने की कोई संभावना नहीं है अब, है ना। 2-3 दिन 4 दिन तक देखिए उधर, देखिए कैसे काम चल रहा है, सब किसी का घर द्वार खत्म। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर टैंकी जो है, पानी की टैंकी जो इसके ऊपर रहता था, देखिए जो इसके ऊपर रहता था, कितना हवा आया होगा जो इसको भी जो है उठा करके वहाँ तालाब में जो है फेंक दिया है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि कितना हवा तेज चली हो, आइडिया लगाइए। आज जो है बहुत काम चल रहा है, जोर शोर से काम चल रहा है, तो
तो आप लोग पूरा वीडियो में बने रहिए, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। और यहाँ देखिए, लगता है कि कोई नया घर बनाने वाला है, नया घर बना रहा है। यहाँ देखिए, आपको दिख रहा है ना, यहाँ लगता है कि कोई नया घर का सेटिंग कर रहा है या नया घर बना रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर ऑलरेडी, अरे यहाँ देखिए, छोड़िए वो सब, यहाँ देखिए बीच रोड में ही किसी का घर आकर के बैठा हुआ है। देखिए किसी का घर ला करके ऊपर का परछती मतलब जो भी है यहाँ ला कर बैठा दिया है। और यहाँ पर लाइट जो है, यहाँ देखिए लाइट यहाँ देखिए, आपको लाइट दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर लाइट कैसे आएगी भाई, यहाँ पर जो है बिजली का तार जो है इस तरह से बिखरा पड़ा हुआ है ज़मीन में। और इधर जो है, यहाँ पर जो है ट्रांसफार्मर के पास जो है जितना तार था सब कोई जो है नीचे आ गया है। ये तार ऊपर था, ये नीचे आ गया है मेन तार, और जितना फ्यूज था सब टूट फूट करके ख़त्म, यानी कुछ नहीं बचा इसमें, सब ख़त्म। तो अब आगे चलते हैं हम। देखिए ये तार जो है, देखिए ज़मीन पर पड़ा हुआ है, देख लीजिए ये तार जो है, देखिए ये तार जो है ज़मीन पर पड़ा हुआ है, तो इसमें कैसे लाइट देगी। कम से कम 4-5 दिन तो भाई गया काम से। तो चल दिखाते हैं आपको, बने रहिए आप लोग, पूरा वीडियो दिखाते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए, की बोल है भैया, अस्सलाम वालेकुम, की हो जाए तुम सर, ये लोग का भी गया है ना। तो इधर भी देखिए, ऐसा लगता है कि बकरी के लिए घास काट के रखा है ये लोग खड़ियाण में, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, छः खरीद ना है कामन की तो नुकसान कुछ घोड़द्वार वाला नुकसान हुई है। चल देखिए यार, घोड़द्वार नुकसान हुआ मोर मामूर, ऐसा लागो कि बकरी उगड़ी तो घास उस काटे रह गया, बहुत लोग जैसे नुकसान हुई है। आर सब नुकसान छे यहाँ पर। हाँ अभी चले गए चारों, यहाँ पर देखिए ये भी शायद जो है रोड पर गिरा हुआ था, तो इसको लोग जो है, ये हाईवे रोड है, इसको इसमें से लोग जो है इसको हटा दिया गया है, इसको मतलब साइड कर दिया गया है, ठीक है। तो आपको ऐसा ऐसा चीज़ दिखा दिए, ज़िंदगी में नहीं दिखाई दी, बकरी का घास ला के रखा है। और ये घर जो है यहाँ पर जो है किसी का आकर के यहाँ पर रोड पर पड़ा हुआ फिर है। तो आपको हम चारों तरफ से दिखा दिए भाई, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। हाँ देखिए देख कीजिए, बैरे का शौक देख दी, मतलब कटे कुटे ही ख़त्म। चलिए चलते हैं झांगी दिखी, एक हमारा यहाँ झांगी दिखी है, आपको झांगी दिखी में दिखाते हैं कि झांगी दिखी का फिर क्या हाल है, क्योंकि बेतवाड़ी का तो ये सब हाल है ही है। झांगी दिखी यहाँ पर देखिए, रोड जो है जाम किया हुआ है, ये बिल्कुल मेन रोड है, हाईवे है, यानी लोकल रोडों का हाईवे रोड है। चल साइड से चलो, तो ये हाईवे रोड है, देखिए रोड पर ही जो है ये बैर का पूरा पेड़ जो है गिर गया है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, ठीक है इतना, चल बहुत बहुत भाई साहब, हम जाते उधर उधर तुम सर घर ओ पैक्टोला। तो ये झांगी दिखी वाला रास्ता जो है, उसी रास्ते पे जो है एक पेड़ गिर गया है, इसमें लगता है कि कोई किसी का फोर व्हीलर नहीं गया है, इसलिए वो रास्ता साफ नहीं है। तो चलते हैं आप लोग को झांगी दिखी में दिखाते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं झांगी दिखी चौक, और यहाँ से भी पता चलता है कि इधर जो है, इधर भी गया है हवा, एक पेड़ जो है यहाँ पर जो है घर के ऊपर गिर गया है, और यहाँ पे कटहल का पेड़ जो है वो भी गिर गया है उधर। तो इधर से भी बहुत नुकसान हुआ है वैसे, लेकिन यहाँ देखिए झांगी दिखी चौक, झांगी दिखी चौक लगता है कि नया कोई मार्केट बन रहा है। ए देखिए वाह, लगता है कि कोई नया मार्केट, क्या नया मार्केट बन रहा है क्या भाई। चलिए बनाइए मकान बनाइए आप लोग फिर। हाँ हम तो वीडियो ही बनाने आए हैं, किसका क्या हाल है सब देखने के लिए आए हैं। देखिए ये देखिए, सब किसी का गया इधर, हम तो कहाँ कहाँ से घूम करके आ गए। हाँ चलिए आगे चलिए, देखिए क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, पाकिस्तान चला गया, बेईमानी करोगे तो होगा ना, और क्या दो नीमिया। यहाँ पर डॉक्टर का दुकान था, कोई बोल रहा था कि बोले वो भी ख़त्म हो गया है,
ये देखिए टीन ऊन यहाँ पे रखा हुआ है। क्या खबर है सर? देख किधर घूम रहे हैं? हार पूरी मारी नहीं हो दुनिया बाप। अब जितना जाओगे उतना नुकसान होगा। तो यहाँ तक हम करते हैं डीएन और हम अपना गांव में थोड़ा कार्यक्रम मच रहे। तो हम आपको अपना गांव की तरफ थोड़ा दिखाएंगे और उसके बाद जो है फिर हम घर चले जाएंगे, क्योंकि मेरा घर भी जो है टीन उड़ा हुआ है तो हमको भी टीन अपना सही करना है। चलिए भेरूर दुकान, हमको भी अपना टीन सही करना है। मेरा भी टीन उड़ गया है सर। भेरूर भेरूर रहते हो? तो मेरा टीन उड़ गया है तो हमको भी लेना है सामान। हाँ तो ये है झांगी दिखी चौक। ये लोग का तो मज़ा है, ये लोग तो साला घर द्वार बना लिया है। घर द्वार क्या, घर हुआ कुछ? क्या हुआ? उड़ गया तो यहाँ क्या कर रहे हो? ओ आज तो आपका कमाई है? नहीं नहीं आज कमाई है, आज आपका कमाई है, आज आपका भोज भी रहेगा, कोई मर भी जाएगा तो नहीं जाओगे आप? कहे कि भाई सबको ज़रूरत है आज सामान का। नहीं नहीं ऐसा आप चाहते हैं कि ऐसा हो? नहीं 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 वीडियो भाई, वीडियो तो बन रहा होगा, आप चाहते हैं कि ऐसा हो? दोस्त समझते हैं दादो। अच्छा दीजिए चक्की सब दीजिए तो 8-15-20 टो मेरा पता है। टीन का चक्की को रख दिया है, चक्की का छुरा करके उस तीन भाग गया है मेरा नट।